हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज से फ्रेंड्स एक न्यूज देनी है कि हमारा टाइमिंग अभी कुछ टाइम के लिए 3 to 4 रहेगा, क्योंकि इवनिंग में कुछ वेबिनार्स कंडक्ट होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं सभी के लिए, ज्वाइन करना और हमारे लिए भी ज्वाइन करना। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा अपना टाइम को ऐसे रखा है कि ताकि आप लोग भी सब ज्वाइन हो सके और हम लोग भी मैनेज कर सकें। तो एवरीडे टाइमिंग्स रहेंगे 3 to 4। अगर आगे कभी चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंगली तो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी हम लोग 2-3 मिनट वेट करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो हमारे साथ खुशबू मैम भी बहुत जल्द जुड़ने वाली हैं। और खुशबू मैम, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, वेलकम खुशबू मैम, वेलकम। थैंक यू स्वाति, गुड आफ्टरनून स्वाति। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि कुछ इम्पोर्टेंट वेबिनार्स के टाइम ऐसे हैं कि जिसमें हमारे व्यूअर्स का और हमारा आना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा अपने लाइव सेशन का टाइम अर्ली किया है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं 2 मिनट, क्योंकि हमारे व्यूअर्स अभी जुड़े नहीं है। आज हम अचानक से आ गए हैं 3 बजे, तो हम लोग वेट करते हैं कि वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। इतने आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप जरूर कहिए, ओवर टू यू। यस स्वाति, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स से माफी मांगना चाहूंगी कि हमने विदाउट इंफॉर्मेशन आप लोगों को टाइम चेंज किया। हमें आपको नोटिफाइड करना चाहिए था फेसबुक पे पोस्ट डालकर, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स से माफी चाहेंगे। और दरअसल जैसे आपकी जिंदगी में भी कुछ काम रहते हैं, वैसे हम लोगों की जिंदगी में भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको प्रायोरिटाइज करते हुए हमें कभी कभी टाइम शेड्यूल को मैनेज करना पड़ता है। और इसलिए अब से कुछ समय तक, जब तक हम दोबारा से कोई अनाउंसमेंट ना करें, तो हमारा लाइव का जो टाइमिंग है वो 3 से 4 का रहेगा। तो हमारे साथ संपत पटेल सर जुड़ चुके हैं, वृंदावन दास सर जुड़ चुके हैं तो मलेशिया से, तो थैंक यू सर आपने जुड़े हैं। आप बंगाली में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच। और जैसा कि स्वाति, आज हम लोग का जो लाइव रखने का है, तो जैसा तुम्हें भी पता है कि अभी डेली डेली हमारे पास बस एक ही हमारा जो गोल है वो है OES। तो हमने सोचा कि आज हम इससे कुछ हटकर ऑन पैसिव के सिक्योरिटी पे बात करते हैं, क्योंकि देखो आज के इस युग में बिना डिजिटल टूल के कोई भी नहीं रह सकता है, चाहे एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, उसे भी मतलब आजकल खाना खाने समय में मोबाइल में कार्टून देख करके ही वो खाना खाता है। हम सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप के बिना हमारी शुरुआत नहीं होती है। वेलकम राजेश कुमार सर। तो इसी तरह से हम फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए हमें चाहिए, हमारी कंपनियों के जो कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियों के वेबिनार जो इंटरनेशनल नेशनल कॉल थे वो सब कुछ क्या है, VPN के माध्यम से और जूम के माध्यम से बहुत सारे उनके इंटरनेशनल कॉल और उनके वेबिनार्स भी लिए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी ऑन पैसिव के वेबिनार भी जूम पर ही हो रहे हैं। तो इस तरह से तुम देख रही हो कि हर कोई डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है और यह जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसलिए इसी रेशियो में अब हमारी कंपनी ऑन पैसिव भी बहुत सारे डिजिटल सॉफ्टवेयर के साथ आ रही है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इसके जो प्रोडक्ट है वहां तुम्हारा डाटा बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा, क्योंकि जाने जाने हम लोगों के पास बहुत सारी लिंक्स वगैरह आ जाती हैं या बहुत सारे एप्स हम चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको अपना चाबी दे देते हैं, अपना एक्सेस दे देते हैं। कभी कभी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे एप्स, तो तुमने देखा होगा हमें अपने गैलरी का एक्सेस देना पड़ता है, कभी पिक्स का एक्सेस देना पड़ता है, कभी माइक का एक्सेस देना पड़ता है, तो ये सब तुमने भी
फेस किया होगा। लेकिन हमारी ऑन पैसिव की जब तुम ओनेट में जाओ या फिर हमारे ओमेल में जाओ, तो वहां तुम्हें ये सब कुछ एक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम अपना फोटो वहां से उठाओ और तुम वहां पोस्ट कर दो, तो इससे तुम्हें पता चलता होगा कि हमारी कंपनी कितनी ज्यादा सिक्योर है। साथ ही साथ हमारी कंपनी के वेबसाइट जो है वो GDPR है, यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का एक ऐसा कानून है जहां पर बात अगर आपका डाटा बिना आपकी अनुमति के अगर कहीं भी शेयर किया गया तो आपका मतलब वो वहां पर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी की सिक्योरिटी की निशानी है। तो राजेश कुमार घोचायत सर सवाल कर रहे हैं, OES क्या है? तो सर ऑन पैसिव इकोसिस्टम को हम लोग OES कहते हैं। जैसे पहले ओ फाउंडर जो हमारा था उसे हम अपना बैक ऑफिस कहते हैं, और ओ फाउंडर से जब हम OES में जो अभी माइग्रेट हो गए हैं हमारी कंपनी लॉन्च होने के बाद, उसे हम OES कहते हैं। ओवर टू यू स्वाति। स्वाति ओवर टू यू। स्वाति तुम म्यूट हो। स्वाति यू आर म्यूटेड। ओके 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 सॉरी। जैसे कि आपने बताया कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है हमारे लिए किसी भी फील्ड में, तो अभी हम लोग डिजिटली बहुत फास्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि सभी लोग पिछले 2 साल से हमारे इंडिया में, अदर कंट्रीज में काफी पहले ये चीजें काफी ओपन हो गई थी, बट पिछले 2 से 3 साल में हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा डिजिटली हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर डिजिटली लिया जाए तो हर प्लेटफॉर्म पर बिजनेसेस आ चुके हैं, अपनी जो हमारी मीटिंग्स हैं आ चुकी हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, सभी कुछ हमारा डिजिटली हो चुका है। अगर यहाँ पर हमारे व्यूअर्स होंगे तो वो जानते होंगे कि अभी भी IT सेक्टर है वो बहुत ज्यादा हमारे घर पर बैठकर वर्क कर रहा है। तो ऐसे में सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि से अगर हमारा डाटा चोरी होता है, अगर हमारा डाटा एक साइट से दूसरी साइट जाता है, तो हमारे जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और जो कि किसी के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो आपने बिल्कुल बोला कि सिक्योरिटी हमारे लिए, हमारा जो ऑन पैसिव है उसके हर फीचर, जितने भी अभी जो भी प्रोडक्ट आने वाले हैं या अभी जो आ चुके हैं, ओ नेट हो गया, ओ ट्रिम हो गया, ओ मेल हो गया, उसमें अभी जो हम लोगों ने देखा है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं, और जितने भी 50 से ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे उसमें सब में ही सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। और जिससे कि जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं कि हम लोग फेसबुक पे या इंस्टा वगैरह पे हम किसी के भी पिक्स को उठा लेते हैं, किसी को भी कंटेंट को हम यूज कर लेते हैं, लेकिन ऑन पैसिव में ये पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, ये प्राइवेसी पूरी दी जाएगी कि आपकी परमिशन के बिना, आपके किसी भी एक्सेप्टेशन के बिना आपका कोई भी कंटेंट, कोई भी फोटोज आपका यूज नहीं किया जा सकता। उस बिकॉज ऑफ हमारी कंपनी के पास अपने खुद के 2 डाटा सेंटर हैं, और खुद का कंपनी का 2 डाटा सेंटर, मतलब कोई भी सेंटर होना, हमारी कंपनी का डाटा सेंटर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हैदराबाद में है और दुबई में। और किसी भी कंपनी के लिए अपना डाटा सेंटर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डाटा सेंटर क्या होता है, अगर हम मैं सिंपल भाषा में अपने व्यूअर्स को यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग फेसबुक या यूट्यूब सब पे अपना यूज करते हैं, बहुत सालों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, हमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है वहां पर, लेकिन फिर भी हम जो फेसबुक है या जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं सभी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं? वो हमारा कंटेंट ले रही हैं, हमारा डाटा ले रही हैं। अब क्वेश्चन होगा कि हमारे डाटा या कंटेंट का वो लोग क्या करते हैं? तो डाटा और कंटेंट को वो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मैं एक सिंपल, बहुत एक सिंपल मेथड के थ्रू समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए कि अगर मैं कोई हेयर ऑयल या साबुन सर्च कर रही हूँ फोन पर, अपनी इच्छा किसी भी साइट पर अपनी इच्छा का, तो वो कंपनी के पास जाता है कि ये
क्योंकि वो डाटा सेंटर पूरा हमारा पूरा देख रही है, पूरा डाटा उनके हाथ में है, तो वो लोग देखते हैं कि इस कस्टमर को ये चीज नीड है। वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम नाम मैं लू तो गूगल, फेसबुक और भी बहुत सारी साइट्स हैं, इनके अपने खुद के डाटा सेंटर नहीं है, ये रेंट पर यूज करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे उस कंटेंट को लेकर वो उन कंपनीज को सेल कर देते हैं कि ये कस्टमर आप साबुन सर्च कर रहा है या ये कस्टमर ऑयल सर्च कर रहा है। तो वो कंपनीज हम आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं, तो वो इस वजह से आते हैं। लेकिन चलिए ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट बहुत, क्योंकि डिजिटल, जैसे अभी बोला कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुका है और इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स भी होती हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर भी होते हैं, तो हमारा डाटा तो सेफ नहीं है। तो ऐसे में क्या हो अगर हमारा इम्पोर्टेंट चीजें चोरी हो जाए या इधर 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 उधर सर्कुलेट हो जाए। तो और एक चीज है कि आज का मानना, आज के जो डिजिटल माइंड है लोगों का, जो साइंटिस्ट हैं या जो डिजिटल टेक्निकल्स हैं, वो ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए वॉर इतनी जरूरी नहीं है। आने वाले समय में हमें साइबर जो है उस वॉर से भी खत्म किया जा सकता है किसी कंट्री को। तो ये चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं, बहुत मस्ट हो गई हैं। तो इस चीज के लिए हमारी कंपनी ने सोचा, ऑन पैसिव ने बहुत डिटेल में सोच चीजें सोची, और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने अपने दो सेंटर बनाए, डाटा सेंटर। तो यहाँ पर हमारे एक एक चीज कंटेंट सिक्योर है, एक एक प्रोडक्ट सिक्योर है, और हमारी एक एक चीजें सिक्योर है। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। और इससे पहले मैं अपने बिल्कुल व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के बोलने का है। अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो मैं आपको वेलकम करूंगी, ताकि आप भी अपने विचार को यहाँ पे रख सकें। ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, मनोज सर ने चैट में लिखा था कि उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की है, उनको ज्वाइन कीजिए। और जगेश्वर, मैं तो सर आपका कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी आपका क्वेश्चन है कि ओ नेट में कैसे जाएं, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर, आपने OES में अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप दोनों जगह से जा सकते हैं, बैक ऑफिस से भी जा सकते हैं और onpassive.com से भी जा सकते हैं। अगर आप बैक ऑफिस से जा रहे हैं तो आप, जब आपको वहां पर रहेगा तो लॉग इन से आप इंटर कीजिएगा। अगर आप बैक ऑफिस से जा रहे हैं तो प्रोसीड का बटन को कट करेंगे तो वहां पर आप लॉग इन के थ्रू जाइएगा। और अगर आप onpassive.com से जा रहे हैं तो वहां पर आप लॉग इन एज ए फाउंडर जहां पर लिखा हो वहां से एंट्री कीजिएगा। और जब आप OES में इंटर कर जाएंगे तो आपका एक पेज खुल जाएगा। उस पेज को थोड़ी देर आप एक दो सेकंड वेट करेंगे या एक दो मिनट वेट करेंगे तो ऊपर में एक ब्लू कलर का छोटा सा स्क्वायर रहेगा, उसमें 9 डॉट्स रहते हैं। उस 9 डॉट वाले ब्लू कलर के बॉक्स को आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 4 चीजें दिखाई पड़ेंगी, एक ओ फाउंडर, एक ओ मेल, एक ओ नेट, ओ ट्रिम एंड ओ कनेक्ट, सॉरी 5 चीजें। तो आप ओ नेट को डबल क्लिक करना, फिर आपका ओ नेट खुल जाएगा, वहां पर आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे पास चैट बॉक्स में एक सवाल आया है राजेश कुमार गोचियाट सर का, मैम ओ कनेक्ट कब लॉन्च होगा? तो सर आपको मैं इतना बताना चाहूंगी कि ओ कनेक्ट जो है वो हमारा फुल्ली रेडी हो चुका है, लेकिन प्रीवियस कॉर्पोरेट वेबिनार में एस मुफारे सर ने कहा, जब उसकी टेस्टिंग हुई तो उसमें एस सर को लगा कि इसमें कुछ और फीचर अपडेट करने पड़ेंगे, तो वो अभी अपग्रेडिंग कर रहे हैं। और वो कभी भी एनी टाइम वो हमारे सामने लाइव हो सकता है। अभी हमारा प्रायोरिटी ओ कनेक्ट से भी ज्यादा, हमारे जितने भी फाउंडर्स, हमारे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो लोग अगर OES में नहीं जा पाए हैं किसी भी कारण की वजह से, तो उन लोगों को लेकर के हम लोगों को आना है OES में, क्योंकि जो कंपनी है, जो हमारी टेक टीम है, जो हमारे सीईओ हैं, वो चाहते हैं कि हमारा कोई भी फाउंडर पीछे ना छूटे। वेलकम वेलकम रूबी मैम,
आपको हम सुनते हैं 2 सेकंड के बाद. तो इसलिए हम लोग जो है कि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग पहले OES में माइग्रेट कर जाएं, क्योंकि उसके बाद ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे होने के लिए तो आज हमारा ओ ट्रैकर और ओ प्ले भी आज ही के दिन आने वाला था 12 तारीख को, लेकिन क्या है कि हमारे कुछ फाउंडर्स चाहे किसी भी कारणवश वो लोग OES में ना जा पाए, और हमारे CEO सर जो है वो किसी भी फाउंडर को पीछे नहीं छोड़ना चाहते. वो नहीं चाहते हैं कि हमारे 65% या 70% या हमारे 50% जो भी फाउंडर OES में चले गए हैं वो आगे आगे की चीजें सीख जाएं, और जो बेचारे पीछे रह गए हैं फाउंडर वो उन चीजों को सीखने में डिले हो जाएं, और इससे उन लोगों को थोड़ा परेशानी हो. तो हमारे CEO सर चाहते हैं कि सभी फाउंडर इक्वल है, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, सभी ब्रांड एम्बेसडर है और सभी को इक्वल राइट है, सभी ने एक समान पैसा पेड किया है, इसलिए सबको वो साथ लेके चलना चाहते हैं. इसीलिए हमारा प्रोडक्ट रेडी है, लेकिन हमारे एस सर और हमारी टेक टीम उस चीज को हम सभी लोगों के सामने नहीं ला रही है. तो ओवर टू यू रूबी मैम, वेलकम मैम. यस मैम, साथी मैम, खुशबू मैम, नमस्कार. हम आज कॉफी पे आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा है हमको यहाँ पे आके. तो मैं भी बोलना चाहूंगी कि मेरा भी पैसे ऑन पैसे वो इकोसिस्टम आता था, अब वो भी मेरा ऊपर लगा, मैंने भी एंट्री कर ली है OES, तो मेरा डैशबोर्ड आता है, फिर फाउंडर आता है, ओ मेल आता है, ओ नेट आता है. एक्चुअली ओ मेल नहीं अभी ओपन हो रहा है, लेकिन ओ नेट ओपन हो रहा है. मैं मेरी पिक्चर नहीं शो कर रही, लेकिन मैं कोई भी चीज उस पे सेंड करती हूँ, पिक्चर डालती हूँ, वो मेरी अपलोड हो रही है. तो मैं फाउंडर लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अब परेशान ना हो, चिंता ना करें वो अपने आप की, मेरा ये नहीं हो रहा है, हम वो नेट में नहीं जा पा रहे हैं, हम इको सिस्टम में ही पड़े हुए हैं. तो हमारे एस सर ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी है, जल्दी भी कर दी है, और जिन लोगों की नहीं हुई है उन लोगों की हो रही है, हो रही है, उनकी हो भी जाएगी. तो वो चिंता ना करें, परेशान ना हो, इंतजार करें, वेट करें, सभी लोगों का होगा. तो मेरा ये कहना है फंडा लोगों से और फैशन लोगों से, सब लोगों से मेरा ये कहना है. नमस्कार. थैंक यू रूबी मैम, बहुत अच्छे से शेयरिंग रखी और जो आपने बताया बिल्कुल. कुछ चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो प्लीज पेशेंस रखिए. अभी सबसे पहले एक एक इम्पॉर्टेंट है कि OES में रजिस्ट्रेशन होना, राइट. अगर हम OES में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हैं तो इस चीज को क्वेश्चन ना करें कि ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है. सब चीजें सिस्टम में चलेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब कोई कंपनी लॉन्च होती है तो वो और जो पहले कंपनी लॉन्च हुई है, तो आई थिंक खुशबू मैम का नेटवर्क इशू रहा है मेरे ख्याल से, तो जो कंपनी लॉन्च हुई है पहले वो अकेले लॉन्च हुई है, लेकिन हमारी कंपनी 14 लाख प्लस फाउंडर्स को लेकर चल रही है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उनका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कराना. तो आप ये सोचिए कि एक सिस्टम पर 14 लाख के रजिस्ट्रेशन एकदम से हो रहे हैं, तो वो सिस्टम को थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लगेगा, तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें. तो हमारे बीच में जागेश्वर सर है. सर आपने क्वेश्चन किया है कि ओ नेट कहाँ से जाएं, तो सर आपने सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आपने OES में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सर OES से ही जाइए, क्योंकि बैक ऑफिस का तो कोई मतलब नहीं है सर ओ नेट में जाने के लिए, क्योंकि अगर OES में रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका तो OES में आपको ओ नेट मिल जाएगा, राइट. और नहीं तो ऑन पैसिव में भी आप जा सकते हैं, ऑन पैसिव से भी. सो वेलकम खुशबू मैम, आई थिंक नेटवर्क इशू के वजह से आप चले गए थे. गलती से मैंने माइक ऑफ करने की बजाय रिमूव कर लिया खुद को. ओके हो जाता है कभी कभी ऐसा, कई बार मेरे साथ भी हुआ है, सो कोई दिक्कत नहीं है. तो एक्चुअली टच कर रही थी माइक को और गलती से मैंने क्या किया कि वो
जो मोबाइल में हम लोग क्लियर डाटा करते हैं ना, वो क्लियर डाटा कर दिया मैंने। तो आज आज लगता है स्क्रीन पर हम वुमेन पावर हैं। तो रूबी मैम, आपको मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जब अपनी आईडी ज्वाइन किया था, आईडी ज्वाइन बनाने के बाद आपने ऑन पैसिव को जब पहली बार जाना, तो आपको क्या चीज समझ में आई ऑन पैसिव के बारे में? क्योंकि कई लोगों का अभी तक भी ये क्वेश्चन है कि ऑन पैसिव अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, रजिस्ट्रेशन अब हो गए हैं तो बहुत लोगों के क्लियर हो चुके हैं, बट आपका क्या सोचना था जब आपने ऑन पैसिव के बारे में सबसे पहले जाना था, आपको कैसा फील हुआ था? आपके साथ जाना चाहेंगे। ऑन पैसिव में जब मैंने पहली बार जब मैं रजिस्ट्रेशन लिया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो मैं ऑन पैसिव, जब से ऑन पैसिव में आई हूँ, मैंने मीटिंग अटेंड करना शुरू की हुई है, तब से मैं बोर नहीं कर रही। मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, मैं घर पे ओनली अकेली रह जाती हूँ। तो ऑन पैसिव में आके मुझे इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा हुआ है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो मुझे कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो ऑन पैसिव से मुझे बहुत सारी उम्मीद भी हुई है, मेरा बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, वो भी हमको उम्मीद से जुड़ी हुई है। चाह रही हूँ जैसा हमारे उम्मीद है, जैसे हर इंसान को भी उम्मीद अपनी एक नई रखनी चाहिए। और पैसे विश्वास करके रहे, अपनी उम्मीद को तोड़े नहीं, आगे अपने आगे चलते रहे, मेरा यही कहना है। थैंक यू, थैंक यू रूबी मैम। बिल्कुल, आगे बढ़ते रहे और चीजें सीखते रहे। स्वाति, पहले मैं एक अनाउंसमेंट करूंगी, उसके बाद मोहम्मद जमी सर, आपका ओईएस में रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप अपने ओ फाउंडर के बैक ऑफिस में जाइए, वहां पर आपको पॉपअप मैसेज में ही बहुत इजी वे में दिखाया गया है, वहां पर देखकर आप समझ लीजिए। और बहुत सारे वीडियो भी बनाए गए हैं, आप उनसे भी समझ सकते हैं, अथवा आप हमारे साथ फोन पर भी कांटेक्ट करके इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। और अगर आप खुद से एबल हैं तो खुद से कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हम में से किसी को भी कॉल करके इस चीज को समझ सकते हैं। तो जानकारी, थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, क्योंकि हमारे साथ और भी जुड़े रहे हैं, सो उनकी लेना चाहेंगे। जी सर, वेलकम सर, वेलकम सर। जी मैम, क्या हो रहा है? बस बढ़िया, आप सुनाइए सर। रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपके, यूजर्स कितने यूजर्स हैं नीचे सर? 70 है मैम। तो ओके, तो सर सभी सक्सेसफुली हैं? सब सक्सेसफुल है हमारे। हम तो ये वन मतलब एक तारीख को किए थे, फिर 3 तारीख को सारे हो गए हमारे। okay. थोड़ा सा मैं एक लिंक भी बाहर, मतलब जिस दिन आया था 10 बजे, मैं लिंक भी थोड़ा सा शेयर करके चेक कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर, यही चीज तो नहीं करनी है सर, यही चीज तो नहीं करनी है हम लोगों को। फिर भी मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी कि जिस दिन ये लिंक आया था, क्योंकि अभी नई चीजें आ रही हैं, तो वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए टेस्टिंग के लिए दिया गया था। और मैं अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूंगी कि हम लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन का ओपन हुआ था, तो हम लोगों ने इतना एक्साइटमेंट वेबिनार में भी नहीं दिखाया जितना एक्साइटमेंट हमने रजिस्टर्ड करने में दिखा दिया था। राइट, तो उसका उसका भुगतान हमें अभी भी भरना पड़ रहा है उसके, हमारी यूजर में, जो यूजर में चले गए। तो प्लीज, हाँ जी, तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि अगर आगे से कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो हमें कम से कम 2 दिन टच भी नहीं करना है उसको, जब तक हमारे बैक ऑफिस में मैसेजेस नहीं आ जाते या हमारे लीडर्स उसको अप्लाई करके वेबिनार्स में अनाउंसमेंट नहीं कर देते, वीडियो के चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे ऑडियो के थ्रू, चाहे वेबिनार, ठीक है ना? क्योंकि सर एक्चुअली में हम लोगों को लिसनिंग की आदत डालनी पड़ेगी कि पहले हमें लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हम लोगों ने मूव करना है, तो हम लोग स्टेबिलिटी चलेंगे, नहीं तो हम लोग मिस्टेक करेंगे। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओ नेट में? या जी बहुत है, ओ नेट तो मैं सबसे ज्यादा चलाता हूँ, ओ नेट तो मैं सबसे ज्यादा चलाता हूँ, होम पेज पे जाके सारा चीज करता हूँ। हमारे
300 उधर से कमेंट भी आ चुके हैं सर, रिक्वेस्ट तो आई नहीं आपकी हमारे पास। कब नहीं रिक्वेस्ट गई है, सारे लोगों का नाम नहीं मिल पाता। ओके सर, हमें तो खुशबू अग्रवाल और स्वाति अग्रवाल को भी आप भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। जी जी भेजते रहेंगे। स्वाति गोयल, स्वाति गोयल, हाँ स्वाति गोयल, स्वाति तो फेसबुक में स्वाति गोयल जी छा चुकी है, सारे ग्रुप में इन्हीं का फोटो दिखता है। सबसे अच्छा है बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा आप साथ में जुड़े, और जरूर वेबिनार अटेंड कीजिए। आप अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र गुप्ता, एमपी से। महेंद्र गुप्ता जी, महेंद्र गुप्ता एमपी से। ओके थैंक यू। ओह ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं संपत से बहुत दिन से, संपत मुकेश बहुत दिन से जुड़ा हूँ, 1 साल 1.5 साल से उन लोगों से। ओके सर, थैंक यू सर। तब तो हो गया सर, आप जुड़े हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। जी उनके पास व्हाट्सएप चैट होती है, कोई बात नहीं है सर। हम लोग सर भी वहीं पर हैं, साथ में ही हैं सर हम जी। वो थोड़ा सा हमारे हरीश शर्मा जी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था, मैंने नहीं जुड़ पाया था, उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम उसी दिन, हम पहली बार आए थे उनके इवेंट में, थोड़ा सा उनको, उनके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ। चलिए अच्छी तरह से हमारे साथ दूसरे व्यूअर भी है, उनको सुनना चाहेंगे क्योंकि वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। तो आप ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट सर प्लीज वेलकम, आपको वेट करना पड़ा, सॉरी उसके लिए। प्लीज वेलकम सर। सर आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। जी सर आवाज आ रही है? जी सर बोल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, हम आउट ऑफ कंट्री है, कोंगो में है, किंशासा कोंगो। ओके जी सर। सुबह 11 बज रहा है तो बोल रहा हूँ, वो नेट में जाने के बाद वहाँ डेट ऑफ बर्थ मांगता है। हाँ जी, हाँ जी सर, वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, आपको जब एक छोटा सा फॉर्म आता होगा, नाम आता होगा आपका लिखा हुआ। हाँ, तो आता है जी, हाँ आप कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं या हम किसी के ऐप के अंदर जाते हैं तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन करता है, हमारा अकाउंट खोलता है। तो आपका वहां पे नाम लिखा आ रहा है, आपकी ईमेल लिखी आ रही होगी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए वहां पे। डेट ऑफ बर्थ वहां ले नहीं रहा है, वो तो डायरेक्ट उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, डाल रहे हैं मान लीजिए मेरा 10/5/1979 का है डेट ऑफ बर्थ, अब वहां डालते हैं तो आता नहीं है, वो कॉलम आता नहीं, ऑप्शन आता नहीं है वहां डालने का। सर वो ऊपर एरो बने हुए होते हैं, एरो पे क्लिक करना होता है, जो जब आप क्लिक करेंगे ना तो वहां पे लिखना नहीं होता, एरो होते हैं ऊपर, जैसे 2005 है तो आप वहां एरो कीजिए, मान लीजिए आपको 19 कुछ पर जाना है तो वहां एरो से आप माइनस करते चले जाइए, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आपको डेट भी माइनस करने के बाद नहीं हो रहा है, जैसे हमारा 5 है मई में, 5 मई या 10 मई, पांचवा महीना 1979, तो वो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये 10 और 5 डालता हूँ तो वहाँ ले नहीं रहा है, वो सीधा आ जा रहा है 10 या 5। सर 10 को भी डेट से ही डालना पड़ेगा सर, आप जब मंथ भी तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, जब मई, अगर मई आ रहा है तो मई को भी आपको वहाँ पे एरो दिए हैं, उन मई को सेट करना पड़ेगा, जब वो आपका मई या जो भी मंथ है आपका वो सेट होगा तब आपका 10 तारीख पे आपको क्लिक करना है। मई आपने मंथ सेट किया एरो पर जाके? नहीं नहीं, मंथ तो सेट नहीं किया, वहाँ क्लिक जो बॉक्स है, बॉक्स नहीं नहीं, मंथ के आगे भी एरो है सर, मंथ के आगे भी एरो है और माइनस का भी प्लस का भी दोनों एरो है, तो आपको मंथ सेट करना है, फिर उसके बाद आप जैसे मंथ सेट करेंगे तो कैलेंडर तो ओपन होता ही है, वहां पे आप 10 पर क्लिक कर दीजिए, 10 डेट आ जाएगी, ओके करेंगे तो पूरा आपका लिखा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था यहाँ के, मैं 7 ID लगवाया हूँ और आदमी लोग यही है, और एक का मोबाइल नंबर बंद हो गया है, जैसे इंडिया का नंबर यहाँ नहीं चलता है कोंगो में, तो उसका क्या करना पड़ेगा अभी? हाँ सर,
आपका मोबाइल नंबर से कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ता है, मोबाइल नंबर आप इन फ्यूचर में जाकर के जो आपका प्रोफाइल सेक्शन है ओईएस में, वहां पर आप दूसरा नंबर डाल करके उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपका ईमेल आईडी पासवर्ड और ओईएस में रजिस्ट्रेशन मायने रखता है, आपको अपना ओमेल आपका मायने रखता है, ओमेल का पासवर्ड मायने रखता है, आपके मोबाइल नंबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और एस सर ने एक वेबिनार में ये भी बताया था कि इन फर्दर फ्यूचर आप अगर चाहेंगे तो आप अपना नाम वगैरह, जैसे कुछ लोगों के एस के मिस्टेक हो गए हैं, कुछ लोगों के गैप हो गए हैं, तो वो सब कुछ भी आप समय के साथ में वो दिया जाएगा कंपनी की तरफ से ऑप्शन, जैसा हमारा ओ फाउंडर में भी था, तो वो आप अपने आप से उसको एडिट कर सकते हैं सर। नहीं नहीं जैसे बीच में बोला था ना, वो जो अपना आता था ओ फाउंडर खोलने से पहले अपना ओटीपी आता था 6 डिजिट का, अभी फिर वो ओटीपी चालू हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ना, कि मेल में आ जाएगा सर? मेल में आता है ओटीपी, ओटीपी तो मोबाइल नंबर में तो कभी नहीं आता सर, मोबाइल में तो आता ही नहीं है, क्या कि यहाँ से डाल रहे हैं तो यहाँ 9 डिजिट का ही नंबर है, मोबाइल नंबर 9 डिजिट का ही होता है यहाँ का। सर मेल है, मेल को ही किया गया है, आपने सुना भी होगा कि मेल को वॉलेट बोला गया है, मेल को इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, क्योंकि मेल ही हमारा इम्पोर्टेंट है, और जो भी ओटीपी आएगा वो आपके मेल पर ही आएंगे, रजिस्टर उस पर नहीं आएंगे, मोबाइल पर नहीं आएगा आपका ओटीपी। अच्छा, जो बैंक डिटेल जब लेगा बाद में कंपनी, तो मोबाइल नंबर तो वही नंबर डाला हुआ है सर, मैंने तो आपको कहा तो आप बाद में इन फ्यूचर जब आपका बैंकिंग का सिस्टम आएगा तो हमारी कंपनी आपको एडिट करने का ऑप्शन देगी, आप अपने मोबाइल नंबर को अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर के आप सर एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपना ओमेल ईमेल अपना ओ फाउंडर का पासवर्ड इकोसिस्टम का पासवर्ड ये सब कुछ सेव करके रखना है सर, ये सब कुछ आपको नहीं खोना है। ओके ओके बिल्कुल। और एक सवाल और, जो बोले थे प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट परचेस करना होगा उसके लिए पैसा हम लोग यहाँ से कैसे डाल सकते हैं, यहाँ तो डॉलर के सिस्टम चलता है। अभी क्लियर नहीं होगा सर, ये चीजें सब चीज आपको पूरी डिस्क्राइब की जाएंगी जब हम उस स्टेप पर आएंगे, अभी हमारे रजिस्ट्रेशन हो जाए सर, हम लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए, शायद हम लोग बहुत कूल हैं, लेकिन जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं तो अभी आप समझिए वो लोग कितना परेशान है, तो अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो जब नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट आएगा तो वो भी हम लोगों को क्लियर होगा कैसे परचेज करना है, ठीक है। और फोन नंबर का भी अगर है तो सर फोन नंबर का भी एडिट प्लस सब करने का आएगा, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रही है, वर्ल्ड में अलग अलग कहीं पर 12 नंबर के डिजिट है, कहीं 10 नंबर के डिजिट है, तो ये चीजें तो होंगी, तो वहां पर एडिट और प्लस करने का ऑप्शन होगा, राइट सर? जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इधर तो ओके सो बिल्कुल खुशबू मैम, हमारे क्वेश्चंस खत्म, काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं तो बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम लोग टॉपिक से भटक जाते हैं, तो जैसे कि आपने इतना पूछा, कोई बात नहीं है, टॉपिक हमारा जरूरी है, बिल्कुल उससे ज्यादा जरूरी हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चन क्लियर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा वो भी बिल्कुल वो भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि होता है अभी आप उनके क्वेश्चन क्लियर नहीं होते हो पाते अगर किसी भी कारणवश, तो वही उनका एग्रेशन बन जाता है और वो लोग क्या करते हैं, गलत गलत जगहों पे जाके सर्च करते हैं, और उन सर्चिंग में अगर उनके सामने पॉजिटिव अथवा निगेटिव किसी भी तरह का ऑन पैसिव का वीडियो आता है तो वो उसी तरीके से अपनी मेंटेलिटी बना लेते हैं, और बहुत सारा मतलब उनके मन में बहुत सारी चीजें घर कर लेती है, तो इसलिए अगर कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक रख सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक था ऑन पैसिव डिस्कशन का, तो ऑन पैसिव में मतलब जितना भी आपको बोला जाए वो सब कुछ बहुत ज्यादा कम है, और जैसा कि अभी हमारे पास में ओ नेट को लेकर के क्वेश्चन आया, तो कोई भी दुनिया का कोई भी ऐप जब
आप फर्स्ट में उसको जब आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर पे जाकर के अथवा जब उसको खोलते हो, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ जो उसकी डिमांड होती है वो आप करते हो, उसके बाद ही आपका वो ऐप चलता है। लेकिन हमारा ऐप अभी डाउनलोड वाला ऐप नहीं है, हमारा तो हमने इकोसिस्टम में रजिस्टर किया है, ये अभी सॉफ्टवेयर है, तो अभी हम लोगों को कोई डाउनलोड नहीं है। इसलिए आप कभी भी भूल करके भी प्ले स्टोर पे अथवा और भी कहीं पर अगर आपको ऑन पैसिव से रिलेटेड कोई भी ऐप दिखते हो, तो प्लीज एज ए फाउंडर उसको डाउनलोड मत कीजिए, वो हमारी ऑन पैसिव के एप्स नहीं है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उन एप्स को यूज करना चाहते हैं, तो ये आपकी डिजायर है, आप कर सकते हैं, बट वो ऑन पैसिव से रिलेटेड एप्स नहीं है, ये मैं बोलना चाहूंगी यहाँ से, क्योंकि हर इंसान की अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी होती है, वो अपने हिसाब से अपने अपने एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते कि आप नहीं करिए करिए, तो आप कर सकते हैं, बट वो ऑन पैसिव से रिलेटेड नहीं है, ये हम मैं यहाँ से क्लियर करना चाहूंगी। थैंक यू, क्योंकि उन एप्स की वजह से भी आपको फर्दर फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो। ओवर टू यू स्वाति। तो हमारे बीच में जितने भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मोनू और भी हमारे इकबाल सर, इकबाल सर आप हमें पीछे से मोटिवेट करते हैं बट कभी सामने नहीं आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि आज आपको सामने आना चाहिए, तो मैं वेट करूंगी आपकी रिक्वेस्ट का। और मनमोहन सर आपकी भी रिक्वेस्ट नहीं आई है आज मेरे पास, अगर आपने डाली है तो मेरे पास पहुंची नहीं है, तो प्लीज अपनी रिक्वेस्ट को भेजिए, क्योंकि आज हम लोग अचानक से 3 का टाइम रख लिया, 3 PM का टाइम पर आ गए हैं हम लोग बिना किसी इंफॉर्मेशन के। सो एनीवेज, जैसे कि टॉपिक है बिल्कुल, भूपेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भूपेंद्र सर प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा। सो आपको सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, आई थिंक बिल्कुल। सो अभी हमने मनमोहन सर को एक्सेप्ट किया है, तो होप सो जल्दी वो हमारे साथ जुड़ सके, तो प्लीज वेलकम सर। सत श्री अकाल जी सर, एनू बहुत बहुत प्यार। सत श्री अकाल सर। और थोड़ा थोड़ा गला मेरा भी लगता खराब, थोड़ा जहा गला लगता जी सर, मेरा तो कई दिन से खराब है सर, कोल्ड हो रहे हैं ना, इसलिए अदरक का पानी पीजिए सर, जिंजर जिंजर वाटर पीजिए सर। टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है ना अभी, वो ये सूखी ठंड है ना, ये थोड़ा खराब करती है। जी सर। हाँ, वैसे आपकी अच्छी पहले टॉपिक के ऊपर बोलिएगा जी सर, जानना चाहेंगे आपके विचार, सिक्योरिटी पे सर सुनना चाहेंगे। एक बार टॉपिक रिपीट करना जरा, मेरा शायद ध्यान दूसरी तरफ था। ऑन पैसिव को, ऑन पैसिव सिक्योरिटी डिस्कशन, ऑन पैसिव सिक्योरिटी डिस्कशन। हाँ बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं, हम सभी देखते हैं हमारा डाटा चोरी होता है, लेकिन हमको किसी को मालूम नहीं। ऑन पैसिव के आने से पहले किसी को मालूम ही नहीं था भाई डाटा क्या चीज होती है। और कुछ टाइम पहले तो डाटा हम समझते थे, डाटा का फीचर देखता था फोन में, लेकिन नहीं मालूम था ये डाटा क्या चीज होती है। खाली रिचार्ज से मतलब होता था, कॉलिंग से मतलब होता था। अभी जब हम इंटरनेट से जुड़े तो मालूम पड़ा डाटा भी दो तरह का है। एक तो डाटा है जो हमारा हमारा जो खर्च करते हैं हम पैसा देके, दूसरा डाटा है जो हमारी हमने जो सेव कर रखा है हमारा डाटा, जो हमारी पिक्चर है। ये देखा जाए तो जैसे हम AI फीचर की बात करते हैं हम, तो एक साइट पे आप विजिट करते हो तो अगर दूसरी साइट में आप में जाते हो तो आपको उस साइट में जो आपने विजिट किया था उसकी मालिक को ऐड देखी है तो वो आने शुरू हो जाती है। उनको कैसे मालूम पता मेरा ये इंटरेस्ट है। और आपको मैं हैरान हुआ, मेरा एक नंबर दूसरा चलता था फोन का, उस नंबर पे इतने ज्यादा अपने आप ग्रुप बनने शुरू हो गए, अपने आप मेरा नंबर किसी ग्रुप में डाल देना, अपना आप मेरा नंबर किसी ग्रुप में डाल देना। तो उनको मैं बाद में पूछना, तो आपको नंबर कहाँ से मिला? सर जी नेट इंटरनेट से मिला, इंटरनेट से मिला। तो इसका मतलब क्या है? आपका डाटा बताया जा रहा है लोगों को। और जैसे अभी आप अभी बात कर रहे थे भी सास,
और SaaS सिस्टम अपने सर्विस सिस्टम एज ए सर्विस क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS SaaS और इस पे है टेक्नोलॉजी और SaaS टेक्नोलॉजी। अभी दूसरा है अब जो हम डाउनलोड करते हैं, तो जब भी हम डाउनलोड करते हैं किसी भी ऐप को तो उसमें हमारे से परमिशन मांगी जाती है भाई हम आपकी फाइलें देख सकते हैं, हम अपने आपके नंबर को एक्सेस करते हैं और हम उस सॉफ्ट को जब यूज करते हैं तो हमको परमिशन देनी पड़ती है। मान लीजिए कोई भी हमने पिक्चर उठाने वाला, मान लीजिए जैसा पिक्चर अपलोड करते हैं, पिक्चर अपलोड करने वाला हमने सॉफ्टवेयर किया, कॉलेज बनाने वाला ऐसे किया, डाउनलोड किया, तो हमारी पिक्चर खंगालेगा तभी तो हमारे हमारी पिक्चर मिलेगी ना उसको। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10,000 पिक्चर है तो उसमें से अपनी मनपसंद पिक्चर निकाल के उसको एडिट करते हैं या डालते हैं, तो लेकिन इसका मतलब वो 10,000 पिक्चर वो भी देख रहा है ना फिर। बिल्कुल सर, वेलकम आरती मैम, वेलकम मैम, आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, आपको सुनना चाहेंगे। जी सर कंटिन्यू। उसको इसका मतलब वो देख रहा है, वो ऐसे अलग अलग तरह की हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमारा साथ भी वो डाटा देखती है क्या है उसमें, इसीलिए बोलते हैं अगर अपने वो स्नैपशॉट ले रखा है किसी का कुछ भी तो वो सेफ नहीं है, है ना। तो ये सिक्योरिटी फीचर हमारे अभी इसमें हमारे सिक्योरिटी फीचर इसमें सबसे बेटर रहेंगे ऑन पैसे से जो अब तक के हैं, तो जो कोई हमारा डाटा चोरी होने वाला नहीं है। जैसे ओमेल में सिक्योर फोल्डर की बात की गई है, हम कुछ भी उसमें अपना सिक्योर रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं, कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो पहले जो जो इल्जाम लगे हैं पहली कंपनियों के ऊपर, फेसबुक ऊपर भी लगे हैं भाई ये डाटा चोरी हुआ है, जहां से डाटा चोरी होता है, सो ये जहां पे होने वाला नहीं। सिक्योरिटी फीचर बहुत ही अपर क्लास का रहेगा जहां पे, जो हमने अभी तक सीखा है इसे, हम जो हमको बताया गया, जो हम देख रहे हैं ना, इसी वजह से जो क्वालिटी पर्सन जो है वो वहां पे आएंगे। तो जैसे फेसबुक की हम बात करते हैं, अभी आपने शायद देखा रूपा पॉल है, हमारी एक प्राउड फाउंडर हैं, रूपा पॉल आप जानते होंगे, उनका उन्होंने उनकी द्वारा रिक्वेस्ट आई, उनका अकाउंट हैक हो गया है फेसबुक पे, ठीक है। संपत पटेल जी पहले क्या कर रहे थे, वो टेलीग्राम से मीटिंग अरेंज करते थे, तो उनकी भी आईडी हैक हो गई थी। तो ये क्या सिक्योरिटी फीचर है, हम किसी काम को अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी क्या बोलते हैं वो वहां से काट छाट हो जाती है, कुछ और ही एक्सेस करना शुरू करता है, तो हम कहां पे, हमारा नाम हम कौन है फिर, हम अपने आप को क्या बोले, क्या सिक्योरिटी है हमारी। सो ये अपर क्लास जब भी ऊपर जाएंगे तो ये सिक्योरिटी फीचर होने चाहिए, अगर आप हैं तो आप हैं। अभी आप मैंने देखा, मेरे को बड़ी खुशी हुई, आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ गए हो वो नेट में, है ना। तो हमको अभी तभी मालूम है ये कौन है, मनमोहन सिंह है तो मनमोहन सिंह है, स्वाति गोयल है तो स्वाति गोयल है, खुशबू अग्रवाल है तो खुशबू अग्रवाल है, संपत पटेल जी का नाम संपत पटेल जाते वहां पे संपत लाल है उनका जो ओरिजिनल नाम है ना, इसीलिए वो नहीं मिल रहे थे लोगों को। तो नमस्ते नमस्ते सभी ब्रांड एम्बेसडर सभी को नमस्कार। मैं मदन कुमार मिश्रा प्राउड फाउंडर ऑन पैसिव झारखंड रांची से बोल रहे हैं जी। और सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है मैडम, बराबर आते रहते हैं मीटिंग में, देखते रहते हैं, बाकी तो सब ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है। जल्दी जल्दी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैसेज में तो यही है कि ये थोड़ा सा धैर्य बना के रखे, सब काम शांतिपूर्ण तरीके से होने दे, जो भी होना है इस महीना में तो होना ही है। अरे थोड़ा सा जब 4 साल इंतजार कर लिए तो एक दो महीना के लिए बात है तो और थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, इंतजार करने के सिवा और तो कोई इससे बढ़िया सिस्टम है नहीं, इसीलिए जय हिंद जय भारत। बिल्कुल ठीक है मैडम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू। आप रोज मोटिवेट करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि कुछ व्यूअर्स हमारे साथ एवरीडे जुड़ते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, नहीं तो उनको क्या पड़ी है।
वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि चलो हमारे ऑन पैसिव फैमिली है हम लोग, तो हम लोग आपस में जुड़ते हैं, दो शब्द कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो बिल्कुल हमारे साथ भूपेंद्र सर, अजीत सर, वेलकम। भूपेंद्र सर अगर आप आना चाहें प्लीज आइए और रिक्वेस्ट भेजिए, और अजीत सर प्लीज आप भी रिक्वेस्ट भेजिए, आपका कल भी रिक्वेस्ट नहीं आ पाया था आई थिंक। सो ताकि हम लोग अपने एक दूसरे के साथ विचार को शेयर कर सकें। और जैसा कि अभी लोगों को क्वेश्चन है कि फाउंडर एक्चुअली में अभी क्या करें, राइट, तो फाउंडर्स अभी क्या करें, ये मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी हमारे प्रोडक्ट कुछ 3 से 4 प्रोडक्ट आ चुके हैं, और कुछ प्रोडक्ट अभी कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि ओ कनेक्ट हो गया, ओ ट्रैकर, ओ प्ले कभी भी आ सकता है। तो हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है वो क्या है, वो एक बिल्कुल ऑटोमेशन सॉल्यूशन, इंटरनेट सॉल्यूशन हम लोगों के सामने लेकर आई है। तो जब वो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करने के लिए रेडी है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होने वाला है, तो हम फाउंडर्स को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक व्यूअर आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने लिंक आया था तो लिंक को शेयर भी किया और कांट छाट भी की। तो मैं यही समझाना चाहूंगी कि हमारी कंपनी जब ऑटोमेशन इंटरनेशनल वो इंटरनेट सॉल्यूशन पर वर्क कर रही है, तो हम लोगों को घबराने की तो जरूरत नहीं है। अगर हम लोग उस लिंक को यूज करना चाहते भी हैं, अगर मन करता है, क्योंकि हम कंपनी कंपनी नहीं कह रही है कि आप कीजिए, वो हमारे लिए ऑलरेडी काफी अच्छा सेटअप बना के रखा है, उसने सोच रखा है, लेकिन क्योंकि हम कंपनी के पार्ट हैं और वो अगर कुछ अपना पार्टिसिपेट हम लोग करना चाहते हैं, तो आप लोग एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट भी ऐसी वैसी नहीं, आप एक या दो मेंबर ऐसे बनाइए जो आपको आउटपुट अच्छा दे सके। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं, आप मान लीजिए कि अपने नेबर में जो पान की दुकान है, या जो हम इवन मैं हाउसवाइफ हूं, मेरा बहुत ज्यादा मैं ईमेल यूज नहीं करती हूँ, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करती, ओ कनेक्ट में मैं कोई मीटिंग्स नहीं करती हूँ, और आप मुझे अगर भेजेंगे तो मुझसे आपको आउटपुट नहीं आएगा, राइट, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करूंगी उसको, एक दिन खोल के देखूंगी उसके बाद मेरा कोई यूज नहीं है। तो मुझे कहाँ पे टारगेट करना चाहिए, मुझे करना चाहिए जैसे कॉलेजेस, कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हम लोगों को, अगर एक आईडी को भी हमने अब एक आईडी पर भी हमने अपने आप लिंक भेज दिया, तो वो हमें बहुत अच्छा आउटपुट देने वाला है। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स हो गए, ऐसे ही हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम 20-30 मतलब आप लोग प्लीज ये चीज मन में मत लाइए कि मैं 1000-2000 जितने ज्यादा लिंक शेयर कर दूंगा तो उतना, आप ये कैलकुलेट कीजिए कि मुझे आउटपुट कितना आ रहा है वहां से। तो ये कैलकुलेट करके एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, बहुत बड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यही बोलूंगी। और अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन उसके लिए भी अभी जब लिंक आ जाए तो उसको पहले समझिए क्या करना है या कब करना है, उसके बाद एक्शन लीजिएगा, उस दिन की तरह नहीं कि कुछ लोगों ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें सबसे पहले थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें लिंक शेयर करने के बाद हम कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने तो हम पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है कि आपको लिंक शेयर करना ही है। तो जब हम अगर किसी को शेयर कर रहे हैं तो हमें ये तो जानना होगा कि हमारा वो शेयर करने के बाद वो उस लिंक से यूज कितना करता है, उस पर कितना वो एक्टिव रहता है। तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा क्या होगा कि ज्यादा हम लोग जल्दी ग्रो कर जाएंगे, बस इतना ही फर्क होगा। वैसे एआई तो हमारी ऑन बिहाफ में और हमारी टेक टीम तो हमारे ऑन बिहाफ में बहुत सारा वर्क कर ही रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑन पैसिव में ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड क्लास वेबसाइट है, इतनी अच्छी और इतनी माइंड ब्लोइंग वेबसाइट है। जब तुम वेबसाइट को खोल के देखोगी, उसके थीम देखोगी, उसके फोटोज देखोगी, वहां पर जाके ब्लॉग्स पढ़ोगी, प्रोडक्ट की जानकारी लोगी, वहां पे जो ग्राफिक्स देखोगी, हर चीज तुम्हें मतलब इतनी ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी
कि तुम मतलब वहां पर अपने आप को सोचोगी कि बस मैं 2-3 मिनट में निकल जाती हूँ, तो तुम्हारा कहाँ आधा घंटा 1 घंटा कहाँ चल जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे तो अपना जो ऑन पैसिव www.onpassive.com जो वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे साथ गायत्री मैम जुड़ गई हैं, तो उनकी शेयरिंग सुन लेती हूँ, उसके बाद हम अपनी शेयरिंग रखेंगे। वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, स्वाति मैम एंड खुशबू मैम। आप दोनों थैंक ने यू, बहुत अच्छी बात वेलकम। कही, जो मेरे मन में थी आज मैं वही बात करने वाली थी, दोनों मैम ने वही बात कर ली। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अलग तरीके से मैं बिल्कुल कहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कल मैं यही टॉपिक पे, मेरे जो है साथ जुड़े हैं ये बिजनेस में, तो उससे मैं यही डिस्कस कर रही थी कि वो बता रहे थे कि मैं इतनी शेयरिंग कर दूंगा, वो जो लिंक आए कि हमारी रेफर लिंक, वो मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैंने यही बात समझाई जो स्वाति मैम ने अभी समझाई, कि जो कोई यूज नहीं करेगा तो उसका कोई आएगा कोई नहीं, फायदा उसको नहीं। बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई फायदा ही बिल्कुल नहीं है। जहां से भी आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर एक्स्ट्रा इनकम, कंपनी तो नहीं बोल रही हमको कि ये करना है, लेकिन अगर करना चाहते हो तो ऐसे पर्सन को ढूंढो कि जहां से आपको अर्न आए, पैसा आए। तो बिल्कुल वही मैं डिस्कस कर रही थी, कल ही डिस्कस कर रही थी, तो आज मैं सोच रही थी कि उस बारे में सभी को इंफॉर्मेशन दूं कि आप ऐसे पर्सन को ढूंढिए जहां से आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम ले सको। तो मैंने उसको यही बताया कि अगर कॉलेज में जा रहे हो या कोई बड़ा 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 वेबिनार हो रहा है वहां जा रहे हो, जहां जूम लिंक अभी जहां पे हो रही है एक्टिव, बिल्कुल तो हाँ जूम लिंक जहां पे हो रही है, क्या हमारा वेबिनार चल रहा है, तो ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो जूम लिंक पे कर रही है वेबिनार, तो उस पर्सन को ढूंढिए कि जहां हमारा ऑन कनेक्ट यूज हो सके। और बिल्कुल बड़ी मैम, बड़ी कंपनियां में अगर आप जा सके हो तो वहां आप शेयर करो अपनी लिंक, तो हाँ वहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। तो यही आज का मैसेज था जो स्वाति मैम बिल्कुल और मैम। खुशबू मैम ने बहुत गायत्री अच्छा मैम, टॉपिक एक होता है लेकिन बताने के और समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो सभी इफेक्टिव सही होते हैं। कौन से व्यूअर्स को कब कौन सा इफेक्ट कर जाए, तो मेन मकसद तुम्हारा है अपने व्यूअर्स तक बातों को पहुंचाना। तो बिल्कुल थैंक यू बहुत आप बहुत हमारे बढ़िया साथ काम कर मैम रही भी हो नहीं आप। जुड़ती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ ही हैं और आप ही को देखकर सीख रहे हैं मैम। आप जब मैं आई थी तो आप थे आगे, तो सब आपको ही, एक दूसरे को हम देखकर ही सीख रहे हैं। तो थैंक थैंक यू सो मच यू खुशबू मैम, आप कुछ बोलना चाहो? थैंक यू। हाँ, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो, कोई भी चीज आप कर लीजिए, तो उसके मेन जो बेसिक होते हैं, वो बेसिक क्या होता है कि बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाए, मैनेज, उसके बाद उसको सेल कैसे किया जाए, प्रोडक्ट को सेलिंग, उसके बाद उससे हमें आउटपुट क्या आता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूबल है या नहीं, और साथ में हमारे मतलब वो प्रोडक्ट को यूज करके किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है मार्केट में, उसका रिव्यू कैसा है। तो ये बेसिक 5 फंडे होते हैं, मैंने ये हर हर बिजनेस में देखा है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का हो, चाहे वो जनरल बिजनेस हो, चाहे वो छोटा सा एक ठेला वाला बिजनेस हो, तो बिल्कुल सभी बिजनेस का मेन बेसिक एक ही है। तो वैसे ही हमारी ऑन पैसिव का भी बेसिक एक ही है। तो बस आपको क्या सीखना है कि हम एज ए ब्रांड एम्बेसडर खुद को मैनेज कैसे करें, उसके बाद अगर अगर आपकी इच्छा है कि हम प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो पहले उसको समझिए कि भाई प्रोडक्ट क्या डिमांड है, इस प्रोडक्ट के व्यू क्या है, इस प्रोडक्ट में हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, या ये प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, उसके बाद आप उसको पर्सनल लेवल पे सेलिंग करें, नहीं तो आप कंपनी पे छोड़ दें, हमारी एआई टेक्नोलॉजी उसके लिए वर्क करेगी। उसके बाद आप ये देखिए कि मैं जिसे सेल कर रहा हूं ये प्रोडक्ट,
क्या ये उसके लिए वैल्यूबल है, उसको वैल्यू देगा या उसको इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एप्स वगैरह भी आ चुके हैं हमारे इंटरनेट की दुनिया में, बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं जो स्पैम होते हैं, तो हम लोगों को बहुत गायत्री मैम को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि मैम आप हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक की एक सीमा है कि हम लोग स्क्रीन पे सिर्फ चार जने आ सकते हैं, सो प्लीज हमारे व्यूअर्स जुड़ना चाहते हैं। ओके थैंक यू गायत्री मैम ज्वाइनिंग फॉर अस, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़ती हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारी मर्यादा है थोड़ी सी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम गेस्ट को सुनते हैं। सॉरी गेस्ट हमारे, एक्चुअली में अजीत सर ने दो बार हमें ऐड किया है, उनका कल भी ऐड किया था उन्होंने, एक्चुअली में उनका नेटवर्क इशू रहता है, तो सर अगर थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाए, मैं दोबारा से आपकी एक्सेप्ट ले रही हूँ। खुशबू मैम अगर अजीत सर आ जाए तो हम उनकी शेयरिंग पहले लेंगे, अगर वो ज्वाइन हो जाते, क्योंकि वो कल भी रिमूव हो रहे थे। ओवर टू यू। जैसा कि मैं बता रही थी कि हमें जैसे अब हमने ओमेल शेयर कर दिया, और जैसे एक हाउसवाइफ है तो उसे ओमेल की यूज नहीं होगी। हमारे साथ अजीत सर, अजीत सर वेलकम अजीत सर, भाई नहीं आ रहा है, वेलकम सर, वेलकम मैम, वेलकम, आवाज आ रही है? यस जी सर आ रही है, परफेक्ट जी, बोलिए सर। मैम आप लोगों को तो बात सुनकर हमें बहुत अच्छी लग रही है, उनका नेटवर्क रहता है, वो कल भी जुड़ना चाह रहे थे, आज भी दो बार जुड़े जी सर, बताइए आवाज आ रही है? यस सर लाउड एंड क्लियर सर, आ रही है आवाज, आप बोलिए। मैम हम भी जी सर आ रही है, थोड़ा समय अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैम मैं अजीत सिंह राजस्थान में जॉब करता हूँ, ठीक है मैम, और ये 2021 जनवरी में मिली, कोई भाई ने बताया रास्ते चलते चलते, तो हम उस चीज को उस समय समझ नहीं, मेरे को अच्छा लगा, कुछ दिल में छाया और हमने कर लिया, और धीरे धीरे मेरे को दो चार दस वीडियो भेजते गए, मैं धीरे धीरे इस चीज को समझते गया, और बोले कि आप यूट्यूब पर वीडियो, आप बोलिए बोलिए मैम, तो हमने मतलब हमने सीखना चालू किया, टीम चैंपियन का वेबिनार देखना चालू किया, संपत सर का वेबिनार देखना चालू किया, वैसे करते करते आज हमने बहुत कुछ सीख लिया, और टीम कैसे बनाना है स्टार्टिंग में लोग बोलते थे, तो वो भी मीटिंग देखते देखते लोगों को समझाना चालू किया, ऐसे करते करते मतलब 80-90 का हमारी भी टीम हो चुकी है, और हमने अपने घर में 4 आईडी ली है, 3 तो अपने नाम से ली है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं सोचा हूँ भविष्य में उनको मतलब नॉमिनी में डाल देंगे, 2 बच्चे हैं और 1 आईडी और रखा हूँ, जो सोचेंगे तो मतलब परिवार में दे देंगे, वो अपने भतीजे के नाम से भी लिए हैं, मतलब हमने 3 अपने आईडी खुद के लिए हैं। तो हम आप लोगों को वेबिनार सुन के बहुत मतलब एक्साइटेड रहते हैं, आप लोग अच्छे अच्छे बातें बताते हैं और हमें बहुत बढ़िया लगती है। स्मृति मैम से कल भी बात हुई थी एक रिसेट पासवर्ड के बारे में, एक दिन और बात हुआ था जो बंदे का यूजर में आईडी चला गया था, तो आपसे मतलब जो नहीं समझ में आता है तो पूछना या मतलब सजेशन लेना कोई, तो खराब चीज नहीं है राय लेना, तो हमने सीख रहा हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत कुछ नॉलेज हो चुका है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी हमारे फाउंडर थे उनको वो फाउंडर से इकोसिस्टम में जाने में दिक्कत होती थी, तो उन भाइयों को हमने बोला कि खुद अपने हाथ से करवाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे क्लिक कीजिए, इसमें ऐसे जाइए, तो हमने सारे मतलब जो भी हमारे डायरेक्ट वाले हैं या डायरेक्ट डायरेक्ट वाले हैं वहां तक हम सबको मतलब वो फाउंडर से इकोसिस्टम में प्रवेश कर दिए हैं। बाकी मैम और दूसरी बहुत अच्छा सर कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चले, बिल्कुल सर, क्योंकि जो भी हमारे यूजर्स हैं अगर कोई वेबिनार में नहीं आता है, अब आगे हमें उनको यही चीज समझानी है कि क्या वैल्यू है अगर हम इसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग लाइट ले रहे थे कि अरे जब कंपनी लॉन्च होगी तो बस पैसा आ जाएगा, वो वाली थोड़ी मेंटेलिटी और वो वाला हम लोग थॉट लेके चल रहे थे, बट अभी हमें थोड़ा सा लोग अवेयर भी हुए हैं इस चीज को लेके, सो काफी अच्छा है, और हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, सभी से एक दूसरे से सीख कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी सर। और मैम जो मैम आप कुछ कहना चाहती जी तो सर की पहले मैं जैसे पूरी होने दो,
कुछ सिस्टम में जाने के लिए कितने भाई हमारे पास कॉल करके मेरे को परेशान कर दिए थे कि कैसे होगा सर, कैसे क्या करना है। मैं बोला घबराइए मत, कोई भाई ऐसे समझदार थे जिनको मैंने फोन से करके मतलब समझा देता था फोन पर, और जो जिसको नहीं समझ में आता था उनको खुद अपने पास बुलाकर उनको सारे लोगों करवा दिया। और दूसरी चीज ये रह गई, जैसे हमारा रेफरल लिंक आएगा, फ्री प्रोडक्ट का मतलब लिंक हो या पेड प्रोडक्ट का लिंक हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पेड प्रोडक्ट है वही मतलब आदमी को दिया जाए जिसे हमारे बेनिफिट हो या उस चीज को यूज कर सकें। और लोगों को पेड प्रोडक्ट का लिंक कितना, जैसे मान लेते हैं ओ कनेक्ट की बात आई, तो ओ कनेक्ट वही आदमी को, वही पर्सन को दिया जाए लिंक की जो उसको यूज में आए। बाकी किसी को देने से, फालतू आदमी को देने से तो कोई फायदा है नहीं में। और जैसे ओ मेल हो गया, हमारा ओ नेट हो गया, ओ ट्रिम हो गया, ये तो चलो सिंपल है, हर लोगों को यूज करना जरूरी है, तो ये तो हर लोगों तक मतलब लिंक को हम दे सकते हैं जो मोबाइल थोड़ा मोड़ा चलाना जानता हो, नॉलेजेबल हो उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अजीत जी सर, बहुत अच्छा लगा। आप ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप इस वेबिनार से अटैच थे, चाहे वो टीम चैंपियन का हो या कहीं का भी वेबिनार हो, वेबिनार जो भी होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं। ये हमें अभी के अभी हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल अजीत सर है, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार क्लैप करना चाहूंगी। और जैसा कि मैं स्वाति कंटिन्यू थी, तो मैं एक बार फिर से अपने उसी वर्डिंग पे आ रही हूँ, तो हमें वही वैल्यू। एक अनाउंसमेंट करूंगी, खुशबू मैम हमारे बीच में, पोपी बराई मैम है, मैम अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम वेलकम करेंगे, सो उनका ओवर टू यू खुशबू मैम। तो थैंक यू सो मच अजीत सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, तो जैसा कि मैंने दो पॉइंट क्लियर कर लिए थे, तो मैनेज और वैल्यू, अब हमें ये देखना है कि वो चीजें जो है, वो चीजें हमें किसे सेल करनी है, तो वो हम अपने दिमाग में एक रिव्यू बनाएंगे, उसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि हमने जिसे वो प्रोडक्ट सेल किया है उसे उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी तो मार्केट में हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा, अगर हमने किसी को सेल कर दिया, उसे जरूरत थी ओ मेल की और हमने उसे सेल कर दिया तुम ओ नेट चलाओ, तो वहां पर तो उसे वैल्यू नहीं होगी, तो उसे ओ नेट तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर किसी को ओ कनेक्ट की जरूरत हो और हमने ओ ट्रैकर उसे शेयर कर दिया, अथवा ओ प्ले शेयर कर दिया, ऑन जॉय शेयर कर दिया, तो उन लोगों को क्या लगेगा, अरे ये क्या मुझे क्या दे दिया है, इसका तो मुझे कोई काम नहीं है। क्योंकि इंसान वही चीज यूज करना चाहता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो अथवा जिससे उसे कुछ गेन हो। तो ये चीज हम लोगों को क्लियर करके, अपना एक सब कुछ अच्छे से मैनेज करके, उसके बाद उसको शेयर करना है, हड़बड़ाना नहीं है हम सभी लोगों को, ये हमारा बिजनेस है। और ये लाइफ टाइम शेयरिंग हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आपने शेयर कर दिया कल आपका शेयरिंग का खत्म हो गया। आप अगर एक महीने के बाद भी कहीं बाहर ट्रेवल करने जाते हो, कोई होटल में जाते हो, तो वहां पर भी आप रिसेप्शन में भी, होटल में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारा ओ बुकिंग काउंटर भी हमारा तक प्रोडक्ट आ जाएगा, तो उन लोगों के लिए ओ बुकिंग बेनिफिशियल होगा। इस तरीके से हमें सोच समझ के शेयरिंग करनी है। हर जिंदगी में हम जो भी काम करेंगे, जो जिस मोड़ पे जाएंगे, वहां पर उस मोड़ पे हमारा वो प्रोडक्ट है। और ऐसे अगर आप इनवाइट करना चाहते हो, तो हमारे फ्री प्रोडक्ट में आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, हमारे ओ नेट के लिए, हमारे ओ मेल के लिए, ओ ट्रिम के लिए, और भी हमारे जो भी फ्री प्रोडक्ट्स आएंगे। पैसे वाले प्रोडक्ट्स के लिए किसी को प्लीज फोर्स ना करें, ये हमारी कंपनी कोई ऐसा नहीं कह रही है कि आपको पेड प्रोडक्ट के लिए किसी को फोर्स करना है, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। तो यस स्वाति, ओवर टू यू। बस इस अभी हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है, सो हम लोग काफी हम लोग यही चीजें देख रहे हैं और यही चीज एवरीडे हम लोग लेकर आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारा OES जरूरी है, उसमें एंटर होना जरूरी है, उसके बाद की बातें हैं। कुछ चीजों को हमें सुनकर और समझकर एक्शन लेना है, बस अगर हम इन कुछ चीज छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम लोग कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, जो हम लोगों को एवरी डे एवरी टाइम गाइड कर रहे हैं।
तो इसी के साथ खुशबू मैम आई थिंक हम लोग अपना सेशन को एंड करेंगे अपने स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू विन इट के साथ। अगर आपको ऑन मैसेज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप अभी तक फाउंडर नहीं बने हैं तो प्लीज गूगल पे जाइए और www.onpassive.com पे जाइए। आप वहां पर हमारे प्रोडक्ट के रिव्यू चेक कीजिए, हमारी वेबसाइट को चेक कीजिए, तब आप खुद ब खुद आप ऑन पैसिव से खुद ब खुद इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय व्यूअर्स।